विधायक देवेंद्र भुयार के नेतृत्व में वरुड़ मोर्शी तहसील के हजारों किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा उन पर लगाए गए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन किया जा रहा है, जिसके समर्थन में मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार के नेतृत्व में सैकड़ों किसान और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में आंदोलन को समर्थन देने के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं। किसानों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता बुधवार को वरुड़ मोर्शी तहसील से तमिलनाडु एक्सप्रेस से दिल्ली के रवाना हुए। 8 दिसंबर को भारत बंद आंदोलन के दौरान विधायक देवेंद्र भुयार ने वरुड़ मोर्शी तहसील में एक रास्ता रोको आंदोलन कर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। पंजाब और हरियाणा के किसान सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पिछले 14 दिनों से दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक देवेंद्र भुयार ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि वह आंदोलनकारी किसानों के साथ चर्चा कर कोई हल निकाले, अन्यथा वह अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली आएंगे और किसानों के साथ आंदोलन करेंगे। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे देशव्यापी आंदोलन के लिए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के विधायक देवेंद्र भुयार सहित हजारों कार्यकर्ता वरुड़ मोर्शी से दिल्ली पहुंचे। देश के इतिहास में पहली बार किसान इस आंदोलन के लिए एकजुट हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पादन लागत पर आधी कीमत की गारंटी का वादा किया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। किसान स्वामीनाथन आयोग को लागू करने, उत्पादन लागत के आधार पर आधी कीमत की गारंटी, सभी किसानों के लिए 7-12 खाली और उत्पादन लागत पर आधे मूल्य की गारंटी की मांग करने के लिए एक साथ आए हैं। हजारों किसान लोग वर्गनी से दिल्ली आ रहे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचे और चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती है, तब तक कोई पीछे नहीं हटेगा। ऐसा इशारा भी इस वक्त दिया गया है। सिंधु बॉर्डर और संपूर्ण देश एकत्रित झालेला आहे आणि शेतकऱ्याचं हे जे आंदोलन हे उग्र स्वरूपाने धारण केलेलं आहे। जोपर्यंत या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब धोरणात्मक निर्णय शेतकऱ्याच्या बाजूने घेणार नाही आणि मल्टीनॅशनल कंपनीच्या हिताचा जो त्यांनी चांगलपणाचा जो विडा उचललेला आहे, मल्टीनॅशनल कंपन्या वाचल्या पाहिजे, शेतकरी ठार झाला पाहिजे, ही जी त्यांची भूमिका आहे, आता ही भूमिका त्यांनी तत्काळ सोडावी आणि शेतकऱ्याच्या हिताचं एक बिल आणून त्याच्यामध्ये MSP मिनिमम सपोर्ट प्राईस जोपर्यंत डिक्लेअर ते करणार नाही तोपर्यंत आता शेतकरी इथून हटणार नाही। आणि या शेतकऱ्यांना नुसतं या आंदोलनामध्ये पंजाब हरियाणा सहभागी नसूनच त्यासोबत पूर्ण देश, पूर्ण हिंदुस्थानचे शेतकरी एकत्रित झालेला आहे आणि न्याय मिळाल्याशिवाय आता शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही, हे आता मल्टीनॅशनल कंपन्या आणि मोदी साहेबांनी लक्षात घ्या। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ क्षितिजा देशमुख, NBC News, नागपूर।